जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कैंत और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल देसी राइडिंग व्हील्स। और आज मैं आपको ऐसे पांच कारण बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपको क्यों बुलेट 350 मतलब बाय करना चाहिए। ये बाइक मेरे पीछे खड़ा है, मैं आपको ऐसे पांच कारण बताने वाला हूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है इसको बाय करने का, वो सबसे पहले है इसका डिज़ाइन एंड इसका लुक्स। क्या लुक्स और डिज़ाइन है दोस्तों, आप देख सकते हो जो इसके ऊपर जो इसकी जो लाइंस आती हैं वो ऐसी लाइंस किसी और बाइक के ऊपर नहीं आती दोस्तों, जो इसको बिल्कुल ही यूनिक बनाता है और बिल्कुल ही डिफरेंट लगता है दोस्तों। आप देख सकते हो इसका डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है, टाइमलेस डिज़ाइन है। और सेकंड कारण इसका है कि ये दोस्तों ऐसा बाइक है जो पिछले 90 सालों से कंटिन्यूस प्रोडक्शन में है, जो कि 1932 में इसका पहला मॉडल लॉन्च हुआ था और आप देख लीजिए 2022 चल रहा है और अभी तक ये बाइक ऐसे की ऐसे चल रहा है। आप इसका डिज़ाइन जो लाइन जो यहाँ पे लाइंस लगी हुई हैं ये अभी तक वैसी की वैसी आती हैं और इसका डिज़ाइन टोटली डिफरेंट है दोस्तों। और थर्ड इसका है दोस्तों कि इसकी आप सीटिंग देखोगे ये टोटली डिफरेंट है। ये देखिए अपराइट वाली जो इसकी सीट आती है और इसकी जो मतलब बॉडी है वो सारी मेटल की है। कोई भी ऐसा बाइक नहीं आ रहा जिसमें ओवरऑल बाइक जो है वो सारी मेटल की हो। और ऐसी बाइक है कि आप कहीं पे भी लेके जाते हो, चाहे आप पहाड़ी इलाके में लेके जा रहे हो या आप सिटी राइड कर रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट देती है दोस्तों ये। और फोर्थ जो इसका कारण है, आप जिसकी वजह से आप इस बाइक को ले सकते हो, उसका ये भी है कि इसकी जो माइलेज है वो भी बहुत अच्छी है दोस्तों। और माइलेज अराउंड 40-45 की आपको इन सिटी माइलेज देता है और साथ में इसकी सर्विस कॉस्ट बहुत ही कम है दोस्तों। और लास्ट जो मेरा पर्सनल फेवरेट जो मेरा इसको बाय करने का मतलब कारण है, अगर आपने ये चीज़ दिमाग में बिठा ली और आप 100% इस बाइक को कभी आप मना नहीं करोगे, आप इस बाइक को 100% बाय करोगे, उसका रीज़न है कि इसकी रीसेल वैल्यू बहुत ही अच्छी है दोस्तों। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप मार्केट में कोई भी सेकंड हैंड बुलेट 350 स्टैंडर्ड आप लेने जाते हो तो आप लगा के चलो 5 साल पुराना बाइक, आप 2016 या 2017 मॉडल का बाइक अगर आप लेने जाओगे, आपको कम से कम भी 1,25,000 1,30,000 से कम में नहीं मिलेगा दोस्तों। उसका अगर मैं आपको बताऊं कि रीज़न इसकी रीसेल कैसे अच्छी है, तो आज की जो कोस्ट इसकी चल रही है दोस्तों वो है तकरीबन 1,82,000 रुपया ऑन रोड प्राइस। और अगर हम 2016 में चले जाएं तो इसका जो ऑन रोड प्राइस था वो तकरीबन 1,30,000 1,35,000 के आसपास था। तो आप लगा लीजिए जब जो बंदे ने 1,30,000 1,35,000 में बाइक ली थी वो आज भी बाइक जो है वो 1,20,000 1,25,000 में आराम से बिक जाएगी दोस्तों। तो आप लगा लीजिए कि 5 साल बाइक चला के भी तकरीबन आपको सेम ही पैसे मिल जाते हैं। तो इससे बड़ा कारण क्या होगा दोस्तों इसको बाय करने का, तो आप देखिए बाइक की लुक तो है ही अलग। तो 2022 में आप इसको बाय कर सकते हो और जो कि इसकी कॉस्ट जो ऑन रोड पड़ रही है पंजाब की लुधियाना की 1,82,000 के आसपास, और आप इसको बाय कर सकते हो। लो डाउन पेमेंट स्कीम भी चल रही है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।